तुझे भी छूने को करता है दिल, पाके भी पाने को करता है दिल। आवारगी आने लगी सांसों में, खुशबू छाने लगी अब तक आपने देखा, हरि प्रसाद अपनी बहू मल्लिका से कहते हैं कि वो होटल वाली बात उनकी बेटियों को ना बताए। ऑफिस में विकास गुप्ता अर्जुन पुंज को यकीन दिला देता है कि उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। और मेरी बातों पर अगर आपको अभी यकीन नहीं है तो मैं अपना रिजिग्नेशन अभी दे देता हूँ सर, ये लीजिए। और उसकी बातों में आकर अर्जुन सलोनी को जॉब से निकाल देता है। घर पे सलिल अर्जुन को बताता है कि उसने अपने माता पिता से अपनी शादी की बात कर ली है। उधर आरोही विकास की असलियत सामने लाने के लिए एक प्लान बनाती है और रात को विकास गुप्ता के घर पहुंच जाती है, पर उल्टा विकास आरोही को ही फंसा देता है। अब देखिए आगे। मैंने बॉस को भी यहाँ बुलाया है ताकि वो भी देखे अपनी आंखों से तुम जैसी लड़कियों की हकीकत। सर मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। नो एक्सप्लेनेशंस। यू आर फायर्ड। यू आर राइट सर, यहाँ माहौल ही कुछ ऐसा है कि अगर मैं सच भी कहूंगी तो कोई यकीन नहीं करेगा। मैं ऑफिस से अपना सामान लेके चली जाऊंगी। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था। यस मिस्टर गुप्ता, मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूं। ब्लैकआउट वाली रात, यानी कि कल की रात, जब मैंने तुमसे पूछा तुम कहाँ थे, तुमने मुझे कहा तुम अपनी बीवी और बच्चों के साथ डिनर करने गए थे घर पे, राइट? और अभी मेरे पूरे स्टाफ के सामने तुमने कहा कि पिछले 7 दिनों से तुम्हारी बीवी और बच्चे घर पे नहीं। इस लड़की की एक्टिविटीज पे चेक रखने के लिए 4 दिन पहले मैंने CCTV कैमराज ऐड करवाए थे ऑफिस में। ब्लैकआउट वाली रात इन कैमराज ने तुम्हें स्टोर रूम से बाहर आते हुए रिकॉर्ड किया था, जहां तुमने सलोनी को उस हालत में छोड़ा। तुम्हारी फैमिली तो शिमला में नहीं, लेकिन CCTV की ये रिकॉर्डिंग मेरे पास जरूर है। अब जो भी करना होगा पुलिस करेगी। दिस इज अ पुलिस केस नाउ। मैं इंसान की कद्र करता हूं, फिर चाहे वो इंसान औरत हो या आदमी। मिस सलोनी, यू कैन रीजॉइन ऑफिस। थैंक यू सर।
आई एम रियली सॉरी। एक आदमी की असलियत सामने लाने के लिए तुम इतनी रात गए उसके घर पहुंच गई। अगर आज मेरे पास वो टेप ना होती तो तुम अपनी रेपुटेशन खो बैठती। तुम गलत नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ गलत हो सकता था, क्योंकि तुम इतनी स्मार्ट नहीं जितना मैंने तुम्हें सोचा था। इनफैक्ट यू आर क्वाइट स्टूपिड। I can't believe ये वही अर्जुन पूछे जिसे औरतों पे विश्वास ही नहीं। हैरान तो मैं भी हूँ। जिस आदमी के बारे में हमें लगता था कि वो हमें बिल्कुल नहीं समझता, उसी ने सबसे ज्यादा समझा हमें। You're right। थोड़ा रूड है पर इतना भी बुरा नहीं है। ओके ओके, अब इस एक कारनामे के लिए उसे हीरो मत बनाओ। अर्जुन के जन्मदिन पर हमसे ये सब क्यों करवाते हो? ताकि जब ये बड़ा हो तो ये जाने किसके नन्हे नन्हे हाथों को थामने के लिए हम हमेशा इसके साथ थे। देख लेना डीके, मेरा अर्जुन बिल्कुल मेरे जैसा बनेगा, दुनिया का सबसे मशहूर सिंगर। हमारा बेटा सिंगर नहीं, बिजनेसमैन बनेगा। ये गाने गाएगा नहीं बल्कि लोगों के गाने दुनिया तक पहुंचाएगा। ओनर बनेगा मीडिया कंपनी का। अर्जुन, हैप्पी बर्थडे। अर्जुन, हैप्पी बर्थडे। थैंक्स डैड। आज भी बस हम दोनों ही हैं एक दूसरे के लिए। हाँ डैड, मॉम तो कब की हमें छोड़ के चली गई। लेकिन तेरे ये बर्थडे की रीत हर साल की तरह आज भी निभाएंगे हम। नो डैड, अब मैं बड़ा हो गया हूं। हाँ, अब तो तू बड़ा हो गया है, ये बचकानी हरकत क्यों करेगा? ये ले, पुराने घर की चाबी, तेरा बर्थडे गिफ्ट। शिमला हेरिटेज हाउस मैंने तेरे नाम कर दिया है। जा, देख ले अपना पुराना घर। बस फिर क्या बड़ी माँ, उस सड़ू ने विकास गुप्ता को निकाल दिया और सलोनी को जॉब फिर से दे दी।
बड़ा ही अजीब आदमी है। अच्छा है, बुरा है, क्या है, कुछ समझ ही नहीं आता। पर जैसा भी है, उसके दिल में किसी न किसी के लिए नाराजगी जरूर है। जी हाँ बड़ी माँ, पर आपको लगता है कि मुझे उस सड़ू को एडवाइस देनी चाहिए? मुझे नहीं लगता वो मानेगा। वैसे देने में कुछ जाता तो नहीं है। खैर उस सड़ू को छोड़िए, आप ये बताइए कि आप शिमला कब आ रही हैं? हर फरवरी तो आप आती है ना? जी मैं आपसे जरूर मिलूंगी। बाय। अरे सलोनी, ये बुके किसके लिए? आज अर्जुन सर का बर्थडे है ना, तो मैं सोच रही थी कि बुके देकर उन्हें कल के लिए थैंक्स बोल दूं। इनफैक्ट मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रही थी। अब देखो मैं फिफ्थ फ्लोर पे तो जा नहीं सकती, तो मेरी तरफ से ये बुके तुम अर्जुन सर को दे दो। नहीं नहीं, बाय बाय बाय। मैं कैसे, मैं Come in. सर, ये आपके लिए। For what? आज आपका बर्थडे है तो तो बुकेस गिफ्ट करते हैं ना? मेरे बर्थडे से तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ा? नहीं ना, जैसे तुम्हारा जन्म हुआ वैसे ही मेरा। तुम अपनी जिंदगी जीती हो, मैं अपनी। इस ऑफिस में लोग काम करने के लिए आते हैं, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने नहीं। क्या कोई सेलिब्रेशन रखी है मैंने? नहीं ना, और अगर मैं रखूंगा भी तो अपने लोगों के साथ, तुम जैसों के साथ नहीं। यू गेट दैट? अब अपना ये बुके उठाओ एंड गेट आउट ऑफ माय ऑफिस। अगर किसी इंसान को फूलों से प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम फूलों में नहीं, उस इंसान के अंदर है। सर मेरी बड़ी माँ कहती है, अगर आपको कोई चीज बहुत परेशान कर रही है तो उसे उठा के फेंक दीजिए अपनी जिंदगी से बाहर, और एक नए सिरे से शुरू कीजिए जिंदगी को। बाय द वे, ये बुके सलोनी ने भेजा था और आपको थैंक्स भी कहा था। आप चाहें तो रख सकते हैं, नहीं तो या फिर फेंक भी सकते हैं। As you wish, sir. हमारे पुराने घर की चाबी, तेरा बर्थडे गिफ्ट, शिमला हेरिटेज हाउस मैंने तेरे नाम कर दिया है। जा, देख ले अपना पुराना घर। मेरी बड़ी माँ कहती है, अगर आपको कोई चीज बहुत परेशान कर रही है तो उसे उठा के फेंक दीजिए अपनी जिंदगी से बाहर, और एक नए सिरे से शुरू कीजिए जिंदगी को। हम आपसे कुछ और मांगने आए हैं। मेरे बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ। किस बेटी का? देखिए पुंज और मोहन मित्तल अचानक हमारे घर क्यों आ रहे? दीदी आप पुन्ना, जरा घर ठीक ठाक करवा लो और जरा नाश्ता बनवा दो। हाँ हाँ, तो फिक्र मत कर,
लड़के साथ मिलकर घर साफ करा लूंगी। मैं कुछ मिठाई ले आऊं? हाँ, अच्छी दुकान से लेके आना, समझा? और टमाटर गिर गया। और पुत्र जल्दी नाश्ता तैयार कर। और सुन, मैं सुरन अंतरा साथ जाती हूँ, घर ठीक ठाक करा लेती हूँ, तो जल्दी नाश्ता तैयार कर ले। ये हवा जहाज भी ना बहुत शोर करता है। ये प्लेन नहीं था बुआ, मिग था, मिग 35। पुत्र, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, जा आराम कर, नाश्ता मैं देख लूंगी। नहीं बुआ, मैं बनाती हूँ ना। तू जा आराम करना, मैं कर देख लूंगी। जा। आज भी हवाई जहाज की आवाज सुनकर कितनी सहम जाती है। अरे आपने यहाँ आने की क्या तकलीफ की? हर कॉलेज का कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। हमने सोचा आपके साथ साथ आपकी बेटियों से भी मुलाकात हो जाएगी। जी हाँ जी हाँ, मैं मिलवाती हूँ। ये हमारे सुर बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती, और ये अंतरा एक दिन बहुत बड़ी डांसर बन गई, और ये ना ये सबसे अच्छी बेटी है हमारी पूर्वी। वो तो ये है पूर्वी, पूर्व और पश्चिम का मिलन कभी हुआ है क्या? नमस्ते। नमस्ते हरिप्रसाद जी, हम आपसे ये कहने आए कि झिझक क्यों रहे आप? देखिए, आपने मेरी बेटी को काम पे रखा है, अगर मैं आपके किसी भी काम आ सकता हूं तो ये मेरी खुश नसीबी है। बोलिए। हम आपसे कुछ और मांगने आए हैं। मेरे बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ। बेटी का हाथ? किस बेटी का? पूर्वी। मैं मेरे बेटे सलील के लिए आपकी बेटी पूर्वी का हाथ मांगता हूं। दरअसल आपने इतनी बड़ी बात अचानक कह दी तो कुछ यकीन से नहीं हो रहा। हरिप्रसाद जी, यकीन तो हमें भी नहीं हो रहा था जब सलील ने हमसे ये कहा कि उसे पहली नजर में पूर्वी पसंद आ गई। अब जो उसकी पसंद है वो हमारी पसंद है। अरे आप लोगों ने तो मिठाई ली नहीं। अब मुंह तो तब मीठा करेंगे जब आप हमें जवाब देंगे। नहीं, कोई जल्दी नहीं, आप आराम से सोच लीजिए, हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। अच्छा तो हम चलते हैं। नमस्ते। आप बैठिए, हम चले जाएंगे। ती शादी के बाद सुनकर पूर्वी भाग क्यों गई थी? शायद शर्मा गई होगी। और घर के बाकी लोग, वो भी शर्मा गए थे मोहन? I don't know, मैं भी इतने बड़े घर से रिश्ता जो आ गया। No मोहन, something is strange. Whatever. I have a strong feeling ये लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं. And I will find out. इस लड़की पूर्वी की क्या कहानी है मैं पता लगाऊंगी। पापा, आप उन्हें समझाइए ना, वो इस तरह हमारे घर रिश्ता लेकर कैसे आ सकते हैं? बेटा,
सकता है उन्हें तेरे अतीत के बारे में कुछ नहीं पता। तो बता दीजिए ना उन्हें कि मैं कौन हूँ। मैं आपकी बेटी नहीं, आपकी बहू हूँ, आपके स्वर्गीय बेटे फ्लाइट लेफ्टिनेंट हनी शर्मा की विधवा, जिसे आपने अपनी बेटी मान लिया है। मैं ये शादी नहीं करूंगी बाबा। सलील की पत्नी बनने के बजाय मैं आपके बेटे की विधवा रहकर ज्यादा खुश हूँ। जब गेस्ट आएंगे तो मिस आरू ही उनका वेलकम फूलों के साथ करेगी। You will do it better, isn't it, Miss Arohi? So guys, you have the details. Siddharth, clients ko presentation tum doge. Thank you, sir. All right, guys. Sir. क्या मैं आरोही की हेल्प ले सकता हूं इस प्रोजेक्ट में? या श्योर। जब गेस्ट आएंगे तो मिस आरोही उनका वेलकम फूलों के साथ करेगी। You will do it better, isn't it, Miss Arohi? और हाँ, मेरे आने से पहले मेरे सारे काम हो जाने चाहिए। अरे अर्जुन सर तो चले गए, ये उनका बर्थडे केक तो देना भूल ही गए। पर कोई बात नहीं, हम केक यहीं पे रख देते हैं, अर्जुन सर खुद आके देख लेंगे। मेरा फोन। अरे ये फाइल तो अर्जुन सर को देनी थी, उनके कैबिन में रख देती हूँ। हैप्पी बर्थडे अर्जुन सर। मैंने कहा था उस लड़की से मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता, ये लड़की कभी बाज नहीं आएगी। ओ, कम इन। और क्या सरप्राइज देना बाकी है अब? मैंने कहा था ना तुमसे
मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता। कहा था ना, छोटे छोटे बच्चे सेलिब्रेट करते हैं अपना बर्थडे, जस्ट लाइक होली और दिवाली, मुझ जैसे लोग नहीं। तुम्हें क्या लगता है दिन रात अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना ही मेरी जिंदगी है? डोंट यू फॉरगेट आई एम अ बिजनेस पर्सन। अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के अलावा मेरे पास और भी बहुत काम है। मेरा पूरा दिन खराब कर दिया तुमने, ये ब्लडी केक क्या रहा? यही चाहती थी ना तुम? तुमने ये केक, एक सेकंड सर, आपने ये सोच कैसे लिया कि ये केक मैं यहाँ लाई हूँ? सुबह जब मैंने आपको सलोनी का बुके दिया तब भी आपने ऐसे ही सोच लिया? सर आप सब कुछ खुद ही सोच लेते हैं, सामने वाले से पूछा भी तो कीजिए। वैसे आपके बिना पूछे मैं आपको बता दूं कि मैं अपने बॉस को केक या बुके तभी दूंगी जब मेरी उससे बहुत बनती है। आपका और मेरा तो सिर्फ एक प्रोफेशनल रिश्ता है। इस यस सर नो सर के रिश्ते में बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया जाता सर। लेट मी बी क्लियर, ये केक मैंने यहाँ नहीं रखा है, किसी और ने रखा है। मैं आई थी आपको ये फाइल देने। आपका बर्थडे सेलिब्रेट करने के अलावा मेरे पास भी और बहुत काम है। हैव अ गुड डे सर। अर्जुन पुंज अपने आप को समझता क्या है?